नहीं है यहाँ पर, ये मुझे लगता है ये मेरा दूसरा कलीसिया है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना ही आता हूँ आपके बीच में और आप भी थक गए होंगे कि ये पास्टर फिनी बार बार क्यों आ जाते हैं यहाँ पर। मगर आज मुझे खुशी है कि आपके साथ फिर से कुछ समय बिताने के लिए मुझे ये अवसर दिया गया है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमें मदद करे कि आज जिस विषय को हमें दिया गया है उस विषय पर हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को ना सुने, मगर हम जानते हैं हमारा सारा काम परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर योजना को क्या कर दिया है, पहले से नियुक्त कर दिया, और आज हमें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो परमेश्वर और उसके स्पर्श की है ना। कोई भी सेवक, कोई भी वचन, कोई भी प्रचारक आकर यहाँ से जा सकते हैं, मगर परमेश्वर की उपस्थिति और उसका स्पर्श हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर बंद दरवाजों को खोलने की कुंजी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास होती है। आमीन। तो आज हम इस पर आगे बढ़ेंगे, मगर हम प्रार्थना के साथ यहाँ पर आरंभ करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि जब हम प्रार्थना यहाँ पर करें, एक अच्छी आराधना यहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ हुआ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, और हमने सब मिलकर परमेश्वर की आराधना यहाँ पर की। अब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर तू जानता है मैं कौन। ये प्रभु के दास जो आए हैं ये मुझे नहीं जानते होंगे, मगर तू जानता है मैं कौन, तू जानता है आज मुझे क्या चीज की जरूरत है, और सिर्फ तू ही प्रभु मुझसे बात कर सकता है। आमेन। हम परमेश्वर की ओर अपनी कान को लगाएंगे, और मैं विश्वास देता हूँ जब हम परमेश्वर की ओर अपनी कानों को लगाएंगे परमेश्वर जरूर हमसे बात करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी कोई हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर। हम कहेंगे धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू अच्छा है। हम कहेंगे धन्यवाद प्रभु क्योंकि तेरे पास हमारे लिए एक सुंदर योजना है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु से आप बात करें, कहे पवित्र आत्मा आप हमसे बोल, हमसे बातचीत कर। प्रभु हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम जानते हैं प्रभु तू यहां उपस्थित है, सारी बातों को भूलते हुए तुझ में हम अपनी आनंद को ढूंढ सके। हाँ प्रभु तू महान है, तूने मुझे अपना संतान बनाया है। हाँ प्रभु मैं अपने पापों को भी जानता, मैं अपनी गलतियों को जानता, मगर परमेश्वर मैं ये भी जानता हूं मेरे सबसे बड़े पाप को भी क्षमा कर यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तू है। इस संसार में कोई भी मेरे पापों को क्षमा नहीं कर पाएगा यदि वो मेरे बाप सारी बातों को जान जाएगा, मगर प्रभु हम जानते हैं तुझसे कुछ भी बात छुपी हुई नहीं है।
मगर फिर भी हम तेरे समीप आते हैं, हम जैसे हैं वैसे आते हैं प्रभु। हम अपने मुंह के सामने एक अलग मास्क नहीं, मगर हम जैसे हैं वैसे हम तेरे पास आते हैं और कहते हैं हमें क्षमा कर, हमसे बोल, हमसे बातचीत कर। हे पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हे पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हे पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, इस जगह को अपने हाथों में ले ले। हे परमेश्वर, इस जगह को अपने हाथों में ले ले। हे परमेश्वर, एक एक जन को अपने हाथों में ले ले। हे पिता, ये हमारी प्रार्थना है, एक एक जन की प्रार्थनाओं को तू सुन ले परमेश्वर। इनके हृदय की बोझ को तू जानता है, इनकी आंखों की आंसुओं को तू जानता है, हाँ परमेश्वर इनकी मायूसी को तू जानता है। और यहाँ पर आए हुए बड़ी आशा के साथ, बड़ी आशा के साथ तेरे समीप में जो लोग आए हैं प्रभु, आज की शाम में तू उनसे बोल, उनसे बातचीत कर। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे हाथों में समय को हम सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आज मुझसे कहा गया कि मैं आपके बीच में बात करूं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एक ऐसी समस्या जो अधिकतर जवान अपने जीवन में महसूस करते हैं। जब हम कॉलेज खत्म करते हैं तब एक समस्या, एक सवाल हमारे अंदर में आता है कि अब क्या। और फिर हम ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और हमारे पास फिर सवाल आता है कि अब क्या। और हम सबको उम्मीद रहती है कि हम एक अच्छी नौकरी को कर सकें, एक डिसेंट लिविंग हम आरंभ कर सकें। और आज इसी पे हम बात करना चाहेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हमसे आज जरूर यहाँ पर बोलेगी, हमसे बातचीत करेगी। पर मेरे साथ खोलिए परमेश्वर के वचन को सबसे पहले, मत्ती रची सुसमाचार उसके 25वें अध्याय। उसका 14 पद से लेकर 30 पद तक, मत्ती 25 उसका 14 से लेकर 30 पद तक। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम बीच में ब्रेक करेंगे, मगर पढ़ने में कोई मुझे मदद जरूर कीजिएगा, कोई करेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास,
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता और जहाँ नहीं छाटता वहीं से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ नहीं छाटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना हो। धन्यवाद। ये एक ऐसा उदाहरण है जो हम सब ने बाइबल में जरूर पढ़ा होगा। किसी के पास 5, किसी के पास 2 और किसी के पास 1। 5 ने क्या किया, उसे 10 में बदल दिया। 2 ने क्या किया, उसे 4 में बदल दिया। और जिसके पास 1 था उसने उसे जमीन के अंदर में गाड़ दिया। जब मालिक आया उसने दे दिया। क्या परमेश्वर उससे खुश हुआ? परमेश्वर ने उसको क्या कहा, क्या कहा? हे दुष्ट और बाप रे बाप, ऐसे शब्द इसका मालिक ने, मालिक ने उदाहरण है, उसके मालिक ने उसके लिए कहा, एक दुष्ट और आलसी। आज समस्या, आज सबसे बड़ी समस्या हमारे झारखंड की सबसे बड़ी समस्या यह है, ये नहीं कि हमारे पास नौकरी नहीं, आज समस्या ये है कि हम बहुत अपनी सोच पे लिमिटेड हो गए हैं। लिमिटेड समझे, अपनी सोच को हमने बहुत ही सीमित कर दिया। हम सीमा की बाहर सोचना नहीं चाहते और सीमा से बाहर हम कदम भी रखने से डरते हैं, क्योंकि कई बार हमारे घर वालों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे साथ रहने वाले चारों ओर से लोगों ने हमारे दिमाग में और जीवन में ऐसी सीमाओं को बांध दिया है जिसको लांघने से हमें डर लगता है। और आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी सीमाएं हैं। हम चाहते हैं, कितने जवान हैं यहाँ, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मगर हम जानते हैं कि एक बड़ी समस्या है। अब आप ये बताइए, कितनी परसेंटेज नौकरी है जो सरकार लोगों को देती है? जितनी नौकरियां रोज हर साल देश में लगता है उसमें से कितनी प्रतिशत सरकार से मिलती है लोगों को, किसी को नहीं मालूम? 26%, 26% ठीक लग रहा है आपको? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि हर साल कितनी प्रतिशत जॉब लगती है। हर साल तो 26% नहीं लगती, तब तो हमारा देश कहां पहुंच आ गया हो। 2%, सिर्फ 2% जॉब हमें सरकार से प्रति साल मिलने की उम्मीद है, जिस प्रकार की हमारे देश की आबादी है, उस पूरी आबादी का प्रतिशत निकालता है। तो क्या आपको लगता है, और आप ध्यान से सोचिए, क्या आपको लगता है कि इस देश में हर एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी? यदि सिर्फ 2% वो काम निकाल सकती है, मगर पूरे भारत में सिर्फ 2% लोग नहीं हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं,
नहीं तो लोग जिएंगे नहीं, है ना। और अपने चारों ओर आप घुमा कर देखिएगा तो पूरे दुनिया में या पूरी भारत के अंदर में 2% नहीं मगर 90% जहां काम है वहां लोग काम कर रहे हैं। हमारी समस्या झारखंड की सबसे बड़ी यह है कि हम अपनी लड़ाई उस 2% के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि ये 2% में हमें आराम है, हमें सिक्योरिटी है, हमारा भविष्य है और हम सब के सब उसी लड़ाई में लड़ रहे हैं। आप बताइए, यदि 2% सिर्फ है उसमें से रांची और झारखंड के लिए सरकार के पास कितनी नौकरी होगी। और हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं अभी जहां पर नौकरी बढ़ नहीं रही, नौकरी क्या हो रही है, घट रही है। और सरकार भी इस बात को जानती है और इसलिए पेपर में दिखाने के लिए कई नौकरियों को लोगों को दे तो रही है मगर लोग खुद उस नौकरियों को ले नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसी नौकरियों को सरकार दे रहे हैं जो जानते हैं कि ये कभी लेगा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं मगर एक बात है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस संसार में परमेश्वर ने सभी मनुष्य को ऐसा कोई भी नहीं है, सभी मनुष्य को किसी ना किसी दान के साथ भेजा है। इसीलिए हम सब एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता और इसीलिए हम इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर में हम निर्भर हैं। और यदि यह सच्चाई है तो हमें अपनी दानों को जानना और अपनी दानों को पहचानना यह जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो अपने दानों को जानते हैं और पहचानते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आज आप यहां जब बैठे हैं तो आप जरूर सोचें कि मेरे दान कौन से हैं, कौन से मेरे दान हैं, मैं क्या चीज अच्छा कर सकता हूं। यदि मैं आपसे कह दूं कि किताब निकालो और अपने बारे में 5 ऐसी बातें लिखो जो तुम नहीं कर सकते, 5 ऐसी बातें जो तुम नहीं कर सकते, जरा सोच लो, अभी लिखो मत मगर सोच लो, 5 ऐसी चीजें जो नहीं कर सकते। तुम अच्छे नहीं, कुछ भी हो सकता, सोच लिए, कितने लोग सोच लिए, कितने लोग, 1 ही हाथ उठा अभी तक, 2, आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते, कितने लोग सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर का एक वचन भी तो है, प्रभु में हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, 5 ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते, कितने लोग सोच सकते हैं 5 ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते, जल्दी चालू रखें। अच्छा ठीक है, 3 ऐसी चीजें जिसमें हम अच्छे हैं, 3 ऐसी चीजें जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, कितने लोग सोच सकते हैं, लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। 3 ऐसी चीजें जो आप अच्छे हैं। ऑलराइट, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो ये मुश्किल हो रहा है, ये एक्टिविटी मुश्किल हो रहा है। अधिक
अधिकतर मैं कुछ साल पढ़ाता भी था बाइबल स्कूल्स में और कुछ साल मैं इंग्लिश की कोर्स भी लेता था कुछ इंस्टीट्यूट में, मतलब परमानेंट नहीं, बीच बीच में। मैं जहाँ भी गया मैं स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज देता था लिखने के लिए, पांच ऐसी चीजें जिसमें तुम अच्छे नहीं हो, और सबका पेन चलता था और पांच मिनट के बाद सब कहते थे लिख लिया, और फिर मैं पूछता था अब लिखो इसमें जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, पांच ऐसी चीजें जिसमें तुम बहुत अच्छे हो। अब वो बड़ा मुश्किल से एक पॉइंट लिखता और उसके बाद परेशान, अब क्या लिखे। ये हमेशा मैंने देखा अपने क्लासरूम में, ठीक है, अपने बारे में अच्छा क्या नहीं है, बड़ा आसान है। हम खाना बनाना नहीं जानते, हम गाड़ी चलाना नहीं जानते, हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, हम कोई भी पांच चीज, मैं अपने बारे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं गाड़ी चला लेता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ, यदि खाना खाना हो तो घर आओ, गुस्सा तो आता है। तो हम पांच ऐसी चीजें जो नहीं कर सकते हैं हम जल्दी लिख सकते हैं, मगर तीन से पांच ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं ये हमारे लिए बहुत कठिन होती है। और मैं बताता हूं क्यों कठिन होती है। इसलिए कठिन होती है क्योंकि हमने इसके बारे में ठीक से सोचा नहीं है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है, और हमें लगता है कि अपनी पढ़ाई करना ये कहां की अच्छी बात है ना। हम लाखों अपनी बुराई कर लेते हैं मगर हम अपनी अच्छा, अपना खुद का बड़ा करने में हमें क्या आता है, लगता है ये अच्छा नहीं। और हमें करना भी नहीं चाहिए, हमें नम्र रहना चाहिए, हमें बेकार की बातों में, बेकार की बड़ाइयों को नहीं करना चाहिए, मगर हमें जानने की जरूरत है कि हम में क्या अच्छा है। क्यों जानते हैं, जब आपको मालूम होता है कि आप क्या चीज में अच्छे हैं, और कोई यदि आपसे सवाल पूछ लिया कि आप बताइए आप में कौन सी तीन क्वालिटी है, कौन सी तीन अच्छी चीजें हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ता। तो जानते हैं आपका इंटरव्यू लेने वाला बोलता है जा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आदमी समझ गया है इसको खुद नहीं मालूम कि इसमें अच्छा। मगर जब आपको पता रहता है कि आप किस में अच्छे हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है, आप विथ कॉन्फिडेंस आप बोलते हैं कि हम इसमें अच्छे हैं, हम इसमें अच्छे हैं, हमने इस पे एक्सपीरियंस है, हमने ये काम अच्छा से किया है, हमें मालूम है हम किस में अच्छे हैं। और आपको मालूम है जो आपको सुन रहा होता है वो इस बात को समझ जाता है कि आप जानते हैं कि आप किस में अच्छे हैं। ये जानना सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस नहीं बनाता, ये जानना दूसरों का कॉन्फिडेंस आप पर बनाने में मदद करता है। मैं सेवकाई में अभी 10 साल से हूं और हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे सेवक भी है, उनमें से कई लोगों को मैंने खुद रिक्रूट किया है एज अ स्टाफ। हमारी एक छोटी सी मॉन्टेसरी स्कूल है जिसमें कुछ टीचर्स है, और पहले अभी तो मेरी वाइफ देखती है, पहले मैं उसमें स्टाफ से रिक्रूट करता था। और जिस तरह से सिस्टर ने कहा हमारी एक नई ऑफिस यहाँ आपके नीचे में है, और हमेशा हमारी कोशिश होती है, हम ये सोचते रहते हैं, लोगों को देखते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि कौन होगा जिसको हम उपयोग कर सकेंगे, कौन है वो जिसको हम सेवकाई में उपयोग कर सकेंगे, कौन है वो जिसको हम अपने बिजनेस में उपयोग कर सकेंगे। और जानते हैं मैं हमेशा जब भी इस बात को सोचता हूं तो मैं क्या खोज रहा होता हूं, सबसे अच्छा कौन, आप समझ रहे हैं ना, सबसे अच्छा।
क्यों? क्योंकि मुझे यदि अपनी सेवकाई की सचमुच चिंता है तो मुझे सबसे अच्छे लोगों की क्या है, खोज है। यदि मुझे अपना बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने साथ काम करने वाले सबसे अच्छे लोगों की खोज है। मुझे ऐसे लोगों की खोज है जो 5 यदि दे दिया जाए तो वो मुझे 10 करके दिखाए, 2 दे दिया जाए तो वो मुझे 4 करके दिखाए, मगर यदि उसके हाथ में 1 दे दिया जाए तो वो उसे दबा दे। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो मुझे धीमा करते हैं। आप समझ रहे हैं ना, मैं दौड़ रहा, सेवकाई बहुत बची हुई, सुसमाचार फैलना अभी बहुत जगह बाकी है। झारखंड के कई सारे गांव में अभी तक सुसमाचार पहुंचा नहीं है और मेरे पास एक दर्शन है। दर्शन है कि मुझे झारखंड के हर एक गांव में सुसमाचार को लेकर पहुंचना है। और कब? मेरे जीवन काल में, मरने के बाद नहीं, मेरे जीवन काल में। इसका मतलब और मेरे पास कितना साल बचा हुआ है? ज्यादा नहीं, क्योंकि जीवन बचा भी हुआ होगा मगर कुछ सालों के बाद मैं दौड़ने लायक नहीं रहूंगा। मेरे जीवन काल में मेरा एक दर्शन है और मुझे पूरा करना है। वो दर्शन को पूरा करने के लिए कौन मुझे मदद करेगा? वही जो 5 को 10 कर सकता है, 2 को 4 कर सकता। खोज है मुझे ऐसे लोगों की। इस दर्शन को पूरा करने के लिए मुझे अपने व्यवसाय को बढ़ाने की जरूरत है और मुझे खोज है उन लोगों की जो इस व्यवसाय को 5 से 10, 2 से 4 कर सके। ऐसे नहीं जो 1 को दबाकर उसमें सो जाए। एक दर्शन है और उस दर्शन को पूरा करने के लिए मुझे आलसियों की जरूरत नहीं है। यदि मैं एक सेवक होकर, एक मसीही होकर, एक परमेश्वर के दास होकर ऐसे लोगों की चुनाव करना चाहता हूं जो आलस नहीं मगर काम करना चाहते हैं, सोना नहीं मगर मेरे साथ दौड़ना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि संसार के लोग जो बाहर में अपने बिजनेस को चला रहे हैं, यहां बाहर में अपने कामों को कर रहे हैं, उनको कैसे लोगों की जरूरत होगी? किसी ने मुझसे पूछा, बहुत साल हो गए पास्टर साहब मुझे प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। मैंने उनसे पूछा, पिछले बार कब था जब आपने अपने बॉस से कहा हो कि बॉस मैं कुछ आपका भी काम करने में मदद कर देता हूं? उसने कहा, कभी नहीं, मैं तो उल्टा अपना ही काम किसी और को देने का कोशिश में रहता हूं। पास्टर साहब बहुत काम है, बहुत काम। मैंने कहा, यदि प्रमोशन चाहिए तो अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो प्रमोशन किसको दिया जाता है? उसको दिया जाता है जो मुझे 5 से 10 करने में मदद करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो अपने काम को तो अच्छा से करेगा मगर अपने काम को करने के बाद अपने बॉस से कहेगा, मैं आपका भी मदद कर देता हूं। एक बार आप क्या कर रहे हैं मालूम? आप अपनी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। और इसलिए आप देखिएगा, हर ऑफिस में बॉस के कुछ चहेते लोग होते हैं और ये हर जगह होता है ना, कुछ चहेते लोग। क्यों? इसलिए क्योंकि वो बॉस के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसे काम करके देते हैं। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेरे साथ एक वचन को लिएगा, 2 थिस्सलुनीकियों 3
6-10, दूसरा थिस्लोनियन 3:6-10, सेकंड थिस्लोनियंस 3:6-10। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उनसे हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो, या नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। यदि कोई काम करना ना चाहे तो उसे क्या ना दो? बाप रे बाप, आज सबका खाना बंद कर लिया। अच्छा, इसे ऊपर में क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा जाइएगा शुरू में, पढ़िए 7वां पद। क्योंकि तुम आप जानते हो, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। पौलुस, सिल्वानस, तिमोथी ये लिख रहे हैं इस किताब को, और वो क्या कह रहे हैं यहां पर कि हम तुम्हारे बीच में थे। कौन थे हम? कौन थे ये लोग? कौन थे? क्या है इनका प्रोफेशन? क्या काम है? प्रभु के दास। ये कहते हैं कि हम प्रभु के दास हैं, हम पहले से तुम्हारे बीच में काम कर रहे हैं और तुमसे तुम्हारे बीच में, क्योंकि हमारा काम तुम्हारे बीच में है, तुमसे ही धन लेने से उसमें कोई गलती नहीं है, मगर तुम्हारे लिए एक आदर्श बनने के लिए, ताकि तुम में से कोई भी आलसी ना बनो। हम क्या कर रहे हैं? एक अच्छा आदर्श बनने के लिए सेवकाई के साथ साथ रात और दिन हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम तुम पे बोझ ना बन सके। पौलुस लिख रहा है इसको। दिन और रात हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ताकि हम बोझ ना बन सके और हम तुम्हारे बीच में आलस्यपन का एक आदर्श ना बन सके। कुछ लोग कहते हैं पास्टर लोग का बड़ा आराम है, सैटरडे संडे सिर्फ बिजी रहते हैं, मंडे से फ्राइडे आराम है। ऐसा नहीं है, पास्टर बन के देखो पता चलेगा। आरामदायक नहीं है, इतने सारे लोग, इतनी सारी समस्याएं, आपकी खुद की एक घर की समस्या, आपकी खुद की सिर्फ एक घर की समस्याएं काफी है आपको परेशान करने के लिए, है ना? और आप एक सेवक के बारे में सोचो, उसकी खुद की घर की तो समस्या होगी ही होगी, मगर जितने लोगों को वो क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, उन सब की समस्या उनके कानों में बजते रहती है। आसान नहीं है, मगर फिर भी पौलुस कहता है हम तुम्हें आगे चला तो रहे हैं, मगर तुम्हारे लिए एक अच्छा आदर्श बने, एक अच्छा एग्जाम्पल बने, इसलिए हमने दिन और रात मेहनत की ताकि हम अपने रोटी को खा सके। आज हमारी झारखंड की समस्या काम नहीं है, काम सब जगह है, समस्या है कि हमें वही काम चाहिए जो हम चाहते हैं। हम जिद पे अड़ गए हैं,
नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि प्रभु हमारी क्यों नहीं सुन रहा। प्रभु से मैं इतना प्रार्थना कर, और जरा सोच के देखो प्रभु हमारी क्यों नहीं सुन रहा। इस कमरे में बैठे हुए कितने अभी लोग होंगे मुझे पता नहीं, करीब 500 से भी ऊपर हैं, ठीक है, इससे उससे ज्यादा लोग हैं। इतने लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। मगर प्रभु मेरा अकेला का थोड़ी सुनता, सबका सुनता है। हमारी सोच को और हमारे लिमिटेशंस को, हमारी सीमाओं को हमें बढ़ाने की जरूरत है। हमें मेहनत करने की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं, अब मेहनत में हम कम तो नहीं है, मेहनत करने वाले लोग हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें इस पर। यदि हमारे पास फ्री टाइम होता है, समय होता है, फ्री टाइम, खाली समय, हम क्या करते हैं? खाली समय में हम क्या करते हैं? झूठ मत बोलना। खाली का पास्टर साहब, हमारे पास समय खाली कहाँ है? फेसबुक इतना बिजी रखता है कि पूछे मत। खाली कहाँ है हमारे पास समय? हम व्हाट्सएप और फेसबुक में इतना बिजी रहते हैं कि हमारे पास कोई खाली समय नहीं। आप मेरे फोन में, अभी तो मैं हिम्मत से बोल सकता हूँ, मेरा फोन कहाँ गया पता नहीं, छोड़िए कहीं गया, हिम्मत से बोल सकता हूँ, मेरा फोन में चेक कीजिएगा, आपको ना फेसबुक मिलेगा और ना अभी क्या है फेसबुक के बाद, दोनों में मेरा अकाउंट है मगर दोनों मेरे फोन में नहीं है, आईपैड में भी नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि कुछ ही दिन के बाद मैं समझ गया इस बात को कि ये फेसबुक मेरे अच्छे समय को मुझसे छीन ले रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ फेसबुक में, मुझे मालूम, आपको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ फेसबुक में? देखिए, मैंने आप लोग सबके लिखे हुए उस नोट को इन्होंने, भाई मनोज ने और आपकी टीम ने मुझे सौंप दिया है और मैंने उसको पढ़ लिया है, ठीक है। कई लोगों ने लिखा था आपकी समस्या क्या है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो सब मैंने पढ़ा है, मैंने दुआ भी की है और हम उस पर आज चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में, तो मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, वापस आते हैं फेसबुक में। फेसबुक क्या करता मालूम है? हमारी अच्छे समय को जहां पर हम 2 से 4 और 5 से 10 कर सकते हैं, हमारे किसको, हमको दिया हुआ दान को, फेसबुक खुद अपने दान को बढ़ा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? अपना दान का समय नुकसान कर रहे हैं और फेसबुक क्या कर रहा है? अपने दान को। कितने लोग क्रिकेट फैन है बताइए यहाँ पे, क्रिकेट फैन? आप धीरे धीरे लड़का लोग का हाथ उठ रहा, लड़कियों का भी हाथ उठ रहा, धन्यवाद। क्रिकेट फैन, सच बताइएगा, क्रिकेट जब आप देखते हैं कितना, अभी तो 2020 प्रभु का दया हो, 2020 आ गया। अच्छा, यहाँ पे लोग हैं जो वनडे भी नहीं छोड़ते हैं और टेस्ट मैच भी नहीं छोड़ते, टेस्ट मैच 5 दिन चलता है। आप बताइए कि जब क्रिकेट चलता है, आप टीवी के सामने हैं या आप स्टेडियम में, स्टेडियम में कितने लोग बैठे होते हैं, कितने लोग स्टेडियम में? हजारों लोग, है ना, हजारों लोग बैठे हुए हैं स्टेडियम के चारों, मगर 2 को 4 और 5 का 10 कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? वहां पे खड़ा सिर्फ और सिर्फ 11 प्लस प्लस 11 22 25 खिलाड़ी, एक्स्ट्रास में भी कुछ। आप समझ रहे मेरी बात को? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मूर्खों के जैसे, माफ कीजिएगा,
₹500 में मिलने वाला टिकट ₹1000 में ब्लैक में खरीद के वहां पे बैठकर और वो क्रिकेट बोल रहा है धन्यवाद हे करने, क्योंकि तुम जितना हे करते हो उतना लाख मेरे पॉकेट में आता है। हम टीवी के सामने में बैठ जाते हैं और टीवी के सामने में हम एक क्रिकेट के लिए 3 से 6 घंटा बर्बाद कर। आपको मालूम है ये समय जो आपने टीवी के सामने में क्रिकेटर को देखते हुए बिता दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वंस इन अ वाइल आपके जीवन में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, कभी आप टीवी देखना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिकेट देखना छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि हर क्रिकेट के पीछे फॉलो करना बंद करो, हर अपडेट को लेना बंद करो। सचिन क्या कर रहा है, द्रविड़ क्या कर रहा है, अभी तो मेरा समय का ना खिलाड़ी है ये सब, अभी नया नया कौन है हमको पता नहीं है। युवराज क्या कर रहा है, वो भी चला गया लगता है। धोनी क्या कर रहा है, वो भी गया। हर मिनट उनका अपडेट लेकर हमें क्या मिल रहा, हमको क्या मिल रहा, मेरा समय क्या बर्बाद हो रहा। एक समय जब बर्बाद होता है तो ये समय जो बर्बाद हो गया 6 घंटा, ये वापस आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। कभी भी आप वापस उस समय में नहीं जा सकते हैं जो 6 घंटा आपने बिता दिए। घर की कुछ महिलाओं तो ठीक है, कम से कम घर का काम भिंडी काटते काटते भी काम करते करते ही वो देख लेती है। आज हमें पूछना होगा हमें कि हम अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं। आज हमें पूछना होगा क्या हम तैयारी, हम कहते हैं ना हम तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं, हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी के साथ साथ और क्या कर रहे हैं। किसी ने आपको कभी सच कहा या आप अभी भी उसी दुनिया में है जो झूठ का है। किसी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी में निकल आएगी, ये सच है। मैं यीशु के नाम में कुछ बदल नहीं सकता यहां पर, आप समझ रहे हैं ना, ये सच है और इसको फेस करना जरूरी है। यदि 2% जब नौकरी निकलती है और हमारे यहां उसका भी कुछ प्रतिशत निकलता है और उस कुछ प्रतिशत में लाखों लोग यदि दौड़ रहे हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपकी लग जाएगी। ये सच को मानो। जब ये सच को मानोगे तो हम सिर्फ तैयारी नहीं मगर दूसरी तरफ भी अपनी ध्यान को देंगे कि मेरे पास समय है, क्या मैं इस समय को कुछ और काम सीखने में व्यतीत कर सकता हूं। मेरे पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स है। हमारे बीच में यही पर एक भाई है, मैं उनको देखता हूं हमेशा वो कुछ ना कुछ करने में व्यस्त रहते। मैं उनसे अभी नौकरी कर रहे हैं अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं। तो पिछले बार मैंने मिला, मैं 2 दिन पहले मैंने उससे मिला और मैं पूछा कहाँ जा रहे हैं, हड़बड़ी में थे कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक नया कोर्स ले लिए, क्या है, एक नई भाषा को हम सीखने जा रहे हैं। मैं बोला अब क्या भाषा, शादी हो गया भाई, नौकरी लग गई, अब क्या भाषा। नहीं, मुझे कुछ करना, आप समझ रहे मेरी बात को, शादी हो गया नौकरी भी लग गई मगर अभी भी सीखने की लगन खत्म, क्योंकि उसे मालूम है जो मैं सीख रहा हूं हो सकता है कल इससे मैं 2 से 4 कर सकूं और 5 से 10 कर सकूं। आपसे पूछना चाहूंगा मैं, कितने लोगों ने अपनी हिंदी के साथ साथ दूसरे भाषाओं में भी आपने जोर लगाया। हमारे झारखंड में बहुत सारे भाषाएं हैं, उनमें उसे सीखने में हो या हमारा इंटरनेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है,
इंग्लिश में हो, कितने लोगों ने अभी तक एक नई अपना खाली समय, मेरे पास समय खाली है, मैं इस खाली समय में एक नई भाषा को क्या करूंगा, सीख, ऐसे वैसे नहीं, आई देयर हेलो देयर वाला नहीं, ऐसे कि मैं कहीं भी कॉन्फिडेंटली क्या कर सकूं, बात कर सकूं। कितने लोग मेहनत कर रहे हैं सोचिएगा, कितने लोग जानते हैं कम्युनिकेशन मेरा गिफ्ट है, मैं बोल सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, यह परमेश्वर से दिया हुआ मेरा गिफ्ट है, और यदि यह मेरा गिफ्ट है तो मुझे एक से ज्यादा भाषा जानने की जरूरत है। मैं एक बार जब विदेश में था, मैं एक ऐसी बहन से मिला जो पहले से करीब 4 या 5 भाषा जानती है, और जब मैं उससे मिला तो वो एक नई भाषा सीख रही है। मैंने उससे पूछा कि यार तुम अलग अलग देश के 4-5 भाषा जानती हो पहले से, और फिर एक और भाषा सीखने क्यों? वो बोलती है मैं जितना भाषा सीखूंगी उतना ज्यादा मेरे प्रोफेशन में मुझे फ्यूचर में मदद मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी जॉब लगी, मेरे को जॉब लगी, आज मैं बताता हूं 90% लोग एक बार जब नौकरी लग जाता है वो पहले से भी ज्यादा आलसी हो जाते हैं। लग गया अब क्या, चिकन बनाओ। क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें लगता है काम करना तो श्राप है। प्रभु ने आदम को क्या कर दिया, श्राप दे दिया, बोला जाओ अब तुम्हें श्राप देता हूं, मेहनत करो, इसलिए मैं मेहनत नहीं करता, मैं श्रापित जीवन नहीं जीता हूं। आप लोग सब श्रापित जीवन जी रहे, सुबह उठते काम करते काम करते काम करते। देखते हैं परमेश्वर ने आदम को क्या बोला। मेरे साथ को लिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अच्छा, कब हुआ था ये, पाप के बाद या पाप के पहले? पाप के बाद की पहले। परमेश्वर ने आदम को आदम की वाटिका में रख दिया, और क्यों रखा, क्या करने के लिए, ताकि वो वहां क्या करे, जोर से बोले क्या करे, श्राप से पहले, पाप से पहले परमेश्वर ने आदम वाटिका की पूरी जिम्मेदारी आदम के हाथ में दे दी और कही तुम इसमें काम करो और इसकी रक्षा करो। क्यों, क्यों नहीं परमेश्वर, मैंने आदम की वाटिका बना दी है अब तुम आराम करो, सो सो सो, क्यों प्रभु ऐसा नहीं बोला? आप जानते हैं क्यों प्रभु ऐसा नहीं बोला? प्रभु ने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो खुद आलसी नहीं है। जरा सोचिए, परमेश्वर भी हमारे जैसा काम कर रहा होता तो सोचिए, हम लोग झूठ का चिल्ला रहे होते हैं, प्रभु प्रभु है छुट्टी में हम चिल्ला। सोच कर देखिए, यदि प्रभु हमारे जैसा काम कर रहा होता, हमारा काम भाकी मार काम बोलते हैं उसको, है ना, कोई काम दिया किसी भी तरह निपट के दे दो। मेरे पास एक ऐसा बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मुझे जानते हैं पहचानते हैं, चर्च के वर्शिप टीम भी यहाँ सामने में, कहीं उल्टा सीधा ना बोल दूंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूँ जिसको मैं काम देता हूँ और मैं कहता हूँ उसको कर देना, वो क्या करता मालूम, जैसे ही मुझसे काम मिलता है वो तुरंत किसी और को दे देता है, और जब मैं पूछता हूँ हो गया तो हाँ हो गया, और जब मैं जाकर देखता हूँ तो हाँ सच में हो गया, तो मैं खुश हो जाता, अरे लड़का बड़ा मस्त है, जब भी देता हूँ काम हो जाता है।
मगर थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि हमारा काम जो है वो धीरा हो रहा है, काम हो नहीं रहा, समस्याएं आ रही है। मैं उससे पूछा कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, तो उसने कहता, वो मुझसे कहता है, अरे मैं तो दे दिया था उसको। मैं बोला किसको दे दिया था, किसको दे दिया उसको, मैं वो अच्छा दूसरा काम मैंने उसको उसको मैं बोला ये सारा काम कौन करता आया। तो उसने मुझे क्या कहा मालूम है, इससे साफ साफ उसने मुझसे कहा, पास्टर साहब आपको काम से मतलब है ना, आप जो काम देते हैं हो जाता है, समझ में आया। जैसे मैं उसको काम दिया, वो क्या किया, इसको बोलते फाकी मार काम। यदि परमेश्वर हमारे जैसे काम किया होता तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो ना तो सोता है और ना ही काम के समय, ना वो सोता है और ना ही। और प्रभु का काम का समय क्या है, चौबीसों घंटे। बाइबल बताती है एक दिन वो विश्राम करता है, उस दिन भी हम विश्राम करने नहीं देते, इतना चिल्लाते हैं कि वो विश्राम नहीं कर सकते। 2400 घंटे परमेश्वर काम कर रहा, ये हमारा गुरु है। सोचिए, सुनिए ना, ये हमारा गुरु है। ये फाकी मार काम नहीं करता, ये झूठ वाला काम नहीं करता, ये दिखाने वाला काम नहीं करता, ये सचमुच काम करता है। और ये हमारा गुरु है, ये हमारा परमेश्वर है, जो कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें मालूम है हमें सोना जरूरी है, नहीं तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है। मगर हम अपने ईश्वर को जानते हैं कि वो आलसी नहीं है, हम जानते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ हमेशा कर रहा होता है, चाहे इस देश में हो चाहे उस देश में हो, क्योंकि उसके पास करोड़ों लोग हैं देखने के लिए। मगर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम की वाटिका में रखा, तो वहां भी उसको परमेश्वर ने काम दिया, क्योंकि वो नहीं था कि वो दिन भर सोते रहे, दिन भर कंप्यूटर के सामने रहे, दिन भर मोबाइल फोन खोलकर बैठे रहे। ऐसा उस समय तो नहीं था, मगर आज जरूर है। घंटों टीवी ऑन रहती है, हम समय बर्बाद कर रहे हैं। आजकल फास्ट नेटवर्क जियो ले आया है, जो हमें 2 मिनट के लिए भी हटने, पहले तो कम से कम दिन ऐसा घूमता रहता था तब हम लोग कुछ काम कर लेते थे। आप सोच कर देखिए, ये संसार आपको मूर्ख बना रहा है। आप सोच कर देखिए, संसार का मतलब शैतान आपको मूर्ख बना रहा है। आप समझ कर देखिए, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रोडक्टिव हो, वो नहीं चाहता कि आप कामयाब हो, और आपको कामयाब नहीं होने के लिए आपके हाथों में, आपके आंखों के सामने, आपके जीवन में ऐसी चीजों को लाकर व्यस्त कर दिया है जिससे आपकी कोई फायदा नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपके लिए नुकसानदायक है। फायदा बात की बात है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपके पास खाली समय होता है तो आप क्या करते हैं? आप जानते हैं, यदि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हजारों ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। जब आपको मालूम है मेरा वेकेशन है, छुट्टी है, हम क्या करेंगे? दिन भर खाना पीना सोना टीवी देखना, ये अच्छी बात नहीं। खाली दिमाग, कितना अच्छा से जानते हैं आप, खाली दिमाग शैतान का घर, हम सब जानते हैं। यदि छुट्टी मिले 2 हफ्ता की, जो 2 हफ्ता छोड़ दो, कम से 1 महीना की छुट्टी है, 2 महीना की छुट्टी है, हम क्या सोचते हैं? छुट्टी है, सुबह 10 बजे उठेंगे, 12 बजे दातुन करेंगे, ठीक है एक दिन, नहीं पूरा 2 महीना। मालूम है तेज आदमी क्या करेगा ये 2 महीना में? ये 2 महीना में जो तेज है वो कहेगा मैं कुछ तो करूंगा, गाड़ी चलाना नहीं जानता हूं
मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊं। ये 2 महीना में मैं छोटा सा कोर्स कर लूंगा, कुछ भी हो, चाहे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हो या हार्डवेयर कंप्यूटर की हो, छोटी छोटी कोर्स कहीं भी हो मैं कर लूंगा। यदि कोर्स नहीं है तो जो जानता है उसके साथ मैं बैठ जाऊंगा, कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऑफिस में काम करता है उससे मैं बोल लूंगा, भैया क्या मैं आपके ऑफिस में आकर 1 महीना काम कर सकता हूं, मैं सैलरी नहीं चाहिए मुझे, मुझे आपका काम सीखना है। मैं सच कह रहा हूं, बहुत लोग खुश हो जाएगा बिना सैलरी का काम करेंगे। मैं क्या करना चाहता हूं, आपका हर एक्सपीरियंस जो है आपको आगे बढ़ने में क्या करती है, मदद करती है। कोई भी एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाता, हर एक्सपीरियंस आपको मजबूत करती है, बड़ी करती है। मगर हमारी समस्या है कल्चरल समस्या। अब इस समस्या से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, हम बहुत ही कल्चरल सीमा में बढ़ रहे हैं। मेरी बहन की विदेश में है और वो लोग पिछले 1 महीना पहले, वो लोग यहाँ 1 महीना नहीं 2 हफ्ता पहले यहाँ पर थे, उनके बच्चे लोग भी है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मेरी बहन की बेटा से पूछा तुम क्या करते हो, मतलब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं बोला उसके अलावा क्या करते हो, वो मुझसे कहता है कि मैं वेटर का काम करता हूँ। और उसे संकोच नहीं हुआ ये बोलने में या सोचने में या मुझे बताने में कि वो एक होटल में वेटर का काम करता है। I serve at a table at a restaurant। जिस तरह से वो बोला मुझे लगा भाई कुछ बहुत बड़ा काम है। मैं इसलिए पूछा, भाई ठीक से बोल, धीरे धीरे बोल, तेरा अंग्रेजी समझ में नहीं आता। तो उसने मुझे ठीक से समझाया, धीरे धीरे समझाया कि वो टेबल में बोला कि मैं टेबल में खाना रखता हूँ और उसके बाद खा लेने के बाद उठाता हूँ और उसके बाद टेबल को साफ कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि उसके माँ बाप कमाते नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे की कमी है जो उसके माँ बाप नहीं दे सकते। उसके पास अपना कार है, अपनी अपनी कमाई से वो पेट्रोल भरता है। मगर क्या है जानते हैं, वो उसने मुझसे कहा यदि मैं काम ना करूं तो मेरा फ्यूचर में मुझे मदद नहीं मिलेगी। उसका मतलब कॉलेज जब खत्म हो जाएगा और जब ये काम के लिए जाएगा तो लोग उससे पूछेंगे जब तू कॉलेज में था तो पॉकेट मनी के लिए कुछ करता था, और जब उस देखा जाएगा कि ये कुछ नहीं करता था तो वो नौकरी देने वाला बोलेगा भाई तू तो आलसी है, तुझे मैं नहीं ले सकता। मेरी दूसरी बहन का बेटा, 2 बहन है मेरी, दोनों वहीं विदेश में है, और दूसरी बहन का बेटा जो है वो कपड़ों को मुड़ता है, एक कपड़े दुकान, और अपनी कॉलेज भी कर रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, दोनों इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन पढ़ाई खत्म हो जाएगा, एक दिन इसमें से वो निकलेंगे, यदि यही काम करना है करेंगे या दूसरा काम वो पकड़ेंगे, मगर अपना समय को वो बर्बाद। जवान लड़का है ना, कितना साल है इनका, 18 साल से नीचे है। मैं उससे पूछा कि तुम्हारे पास समय मिल जाता है, उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ संडे समय मिलता है, सिर्फ संडे समय समय नहीं, या तो कॉलेज में होता हूँ पढ़ाई करता हूँ या तो मैं अपने काम नौकरी को करता हूँ। मैंने नौकरी के काम को एक दिन मैं छोड़ता हूँ ताकि मैं ट्यूशंस ले सकूँ और अपनी असाइनमेंट्स को कर सकूँ, टाइम नहीं। हम कहते हैं यहाँ पर कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में किसी ने सोच भर दिया है कुछ काम छोटे हैं और कुछ काम बड़े हैं, और कुछ काम जो छोटा है वो हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, जो बड़ा काम है बस वही हमारे लिए है। क्योंकि लोगों ने हमें कुछ गलत बातें हमारे सर में डाल दी जिसके वजह से ना तो हम काम करते हैं और ना कुछ छोटे काम को भी करने को तैयार होते हैं। हम गरीब रह जाते हैं, हम भूखे रह जाते हैं, हम परेशानियों में रह जाते हैं, मगर कोई भी काम को अपनाने के लिए हम कतराते। मगर जो मेहनती है वो काम का इनकार नहीं करता। आज मैं
यहाँ पर बैठे जवानों से कहना चाहता हूँ, हमारी सोच हमें बदलनी चाहिए। हमें कुछ नया करने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं जब हम खाली हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमें सोचने की जरूरत है। हमारे झारखंड में कई म्यूजिशियंस हैं, यहाँ पर जितने हमारे वर्शिप टीम्स हैं म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस होना काफी नहीं है मगर अपनी म्यूजिक को बढ़ाना भी जरूरत है, क्योंकि हर घर में आपको क्या मिलते हैं आज? म्यूजिशियंस मिलते हैं, मगर अच्छे म्यूजिशियंस की क्या है? कमी है। हम कैसे हमको दिया हुआ दान को और बढ़ा सकते हैं ताकि हम क्या करें? जब मेरे पास खाली समय है तो ये सब भी हम कर सकते हैं, मगर एक और चीज जो हम कर सकते हैं जो इन सब से ऊपर है, और वो ये है, क्या हम अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के सामने में, या ये जीसस कॉल्स में आकर कहे कि क्या कोई कुछ काम है, क्या मैं यहाँ किसी भी तरह से सेवा में भाई मनोज आपको मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ कोई गाँव जा सकता हूँ, क्या मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे पास समय है और मैं यह समय प्रभु के लिए उपयोग करना चाहता हूं। कल मैंने एक प्रभु के दास के बारे में सुना, जो वो भी एक बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने जीवन में एक प्रिंसिपल बनाया, 20 दिन वो काम बिजनेस करते हैं और 10 दिन वो प्रभु की सेवा काई करते हैं। मुझे अच्छा लगा सुन के, 20 दिन अपना बिजनेस करते हैं मगर 10 दिन, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मुख्य काम भूला नहीं। वो समझ गए कि बिजनेस मेरा जीवन का मुख्य काम नहीं है, मेरे जीवन का मुख्य काम है कि मैं प्रभु के लिए इस राज्य में काम कर सकूं। और ये बुलाहट सिर्फ कुछ लोगों को नहीं मिला है, ये बुलाहट सबको मिला है। इसलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जाओ सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखा। ये आदेश कुछ लोगों को नहीं दिया गया था, ये आदेश परमेश्वर पर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हर एक लोगों को कहा गया था। उसमें पुरुष भी थे, उसमें स्त्री भी थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये आदेश अपने चेलों को दिया। हम क्या कर रहे हैं अपने समय के साथ? जब आत्माएं मर रही हैं, लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं, जब गांव गांव नाश हो जा रही है, हम क्या कर रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि मेरी गांव की भलाई हो, मेरा इनकम भी अच्छा हो और साथ ही साथ में प्रभु की सेवकाई भी हो सके? क्या हम अपने गांव में लोगों के जीने की परिस्थिति को बदल सकते हैं? सोचिए, हम सब बहुत शहरी हो रहे हैं और हम अपने गांवों को भूल जा रहे हैं। आज हमारे पास खेत है, जमीन है, मगर उसमें काम करने वाला कोई नहीं। आज हमारे पास खेत है, जमीन है, और भारत के अंदर में बहुत सारी ऐसी नई मशीन्स है जो हमें उस खेतों को बढ़ने में मदद कर सकती है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो एग्रीकल्चर की ओर काम करते हैं, मगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा इंटरेस्ट उसी में है जहां पर 2% से भी कम लोग दौड़ रहे हैं। हम कंप्यूटर चाहते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे कहा कि मुझे काम चाहिए। मैंने उसे एक अच्छा काम ऑफर किया। उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऑफिस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे ऑफिस चाहिए,
मैं वहीं बैठ के काम करूंगा। मैं बोला मेरे पास वैसा कोई काम ही नहीं है। नहीं नहीं हमको चाहिए वैसी काम। हम सब वहीं पर दौड़ रहे हैं क्योंकि अब हमें लगता है खेतों में काम करना और वहां पर फसल को उगाना ये हमारे काम की बात नहीं है। मगर ऐसा हर स्टेट यदि सोच रहा होता तो आज भूखे मर रहे होते हैं, है ना? सोचिए अपने गांव के बारे, सोचिए आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने सारे लोग हमारे गांव में जी रहे हैं। सोचिए क्या आज भी झारखंड से कितने हजारों के माध्यम में लोग दूसरे स्टेट जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। मगर ये सारे लोग जो काम ढूंढने जा रहे हैं इनके पास कई जमीन है मगर कोई काम की। यदि आप पढ़ लिए, यदि आप लिख लिए और आपको कॉलेज मिला, आपको शहर मिला, तो क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा काम जिससे कि आप अपने गांव की परिस्थिति बदल सकते हैं, जिससे कि आप कोई ऐसी मशीन, ऐसी तकनीक, ऐसे एनजीओ से बात करके अपने गांव के जीने के तरीके को बदल सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने गाँव को नहीं बदल रहे हैं मगर सुसमाचार को पहुंचाने का तरीका को भी तैयार कर रहे हैं। मैं चुनौती देना चाह रहा हूं जवानों को, मैं दिखाना चाह रहा हूं ऐसे और भी। आप एक बार पंजाब होकर आइए, आपको पता चलेगा कि वहां के किसान क्या कर रहे हैं। वहां के किसानों को आप शाम में देखिएगा तो लगेगा नहीं ये किसान है। इतना मोटा मोटा सोना का माला पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में शाम में बाहर निकलते। उनसे पूछो क्या काम करते हैं दिन भर, तो बताएंगे हम अपने खेत पे काम करते हैं। उनके पास तकनीक है, उनके पास मशीन्स है, उनके पास सारी चीजें हैं जो उन्हें वो काम और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली हर एक पॉलिसी का सही उपयोग वो करना जान रहे हैं। क्या हम ये अपने गांव तक ले जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा अगवा यहाँ पर बैठा है जो अपने गांव के लिए एक अच्छा अगवा बन सकता है? अपने गांव में 1,000 घर या 1,500 घर या 2,000 घरों को वो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे में जीने वाले घरों को वो उठा सकता है। वो सिर्फ अपना भला नहीं कर रहा मगर कई घरों के घर में दीपक को जला रहा। मैं चुनौती दे रहा हूं आपके जीवन को जो हम बर्बाद कर रहे हैं जबकि हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको दान दिया है, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने हमको पढ़ाई दी है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास बोलने की सामर्थ है, मेरे पास दिमाग है, वो जो मेरे पूर्वजों के पास में नहीं था आज प्रभु ने मुझे दिया है। मैं क्या करूं इसके साथ? इसके साथ सो जाऊं या इसको 2 से 4, 5 से 10 में बदल दूं? किसी ने मुझसे कुछ साल पहले कहा पास्टरों के लिए बिजनेस करना अच्छा नहीं है। मैं बिजनेस में भी हूँ इसलिए किसी ने मुझसे कहा पास्टरों के लिए बिजनेस शोभा नहीं देता। और मैंने उससे कहा कि मेरा बिजनेस मेरे कुछ पासवर्ड्स में, पासवर्ड तो किसी को कोई बोलता नहीं है फिर भी बता देता हूँ, मैं चेंज कर दूंगा आज जाके। मेरे कुछ कुछ पासवर्ड भी है किंगडम बिजनेस। उसका मतलब मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं काम अपने पेट के लिए नहीं करता, मैं काम प्रभु के राज्य के लिए करता हूं। हालेलुया। मुझसे 2 लोग 4 लोग 10 लोग 10 परिवार 100 परिवार 1,000 परिवार क्या मैं अपने जीवन को कई गुना बढ़ा सकता हूं ताकि मैं लोगों की जीने की परिस्थिति को कल बदल सकूं? क्या मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, मेरे पास समय है, क्या मैं इस समय का सदुपयोग, अच्छा उपयोग क्या मैं कर सकता हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं?
अगले बार यदि मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हैं, तो मत बोलिएगा मैं सिर्फ तैयारी कर रहा हूं। तैयारी के साथ क्या कर रहे हैं? यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कहां अपने समय को दिन भर बिताते हैं? क्योंकि कई बार तैयारी के नाम पर हम कुछ नहीं कर रहे, हमें लगता हम कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे। जब तक एग्जाम का डेट सामने नहीं पड़ जाता, उससे एक दिन पहले हम रात भर उठ के, जो इतना साल हमने तैयारी के नाम पे बर्बाद किया, एक ही रात में हम सब कुछ करते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कर पाते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम समय बर्बाद कर रहे हैं जो समय बीतते जा रहा है? मेरे साथ बोलिए, कुछ नीति वचन की किताबों को पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तभी अपने काम को कर सकता है जब हम मेहनती बनेंगे। सुनिएगा एक चीज पढ़ने से पहले, अच्छा पढ़ दीजिए उसके बाद हम जानते हैं उसको। नीति वचन 10 उसका 4, नीति वचन 10 उसका 4, जो काम में ढिलाई करता है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। सुनिए, जो काम में ढिलाई करता है वो क्या हो जाता है? निर्धन हो जाता है। मगर जो काम काज करता है वो क्या होता है? अच्छा अच्छा, ये प्रिंसिपल सब पे लागू है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल सब पे लागू है, चाहे आप मसीह हैं या नहीं है, चाहे आप मसीह हैं या नहीं है, ये प्रिंसिपल सब पे लागू है। क्या है ये प्रिंसिपल? जो काम पर ढिलाई करता है वो नुकसान सहता है, मगर जो काम काज करता है वो क्या होता है? अब आप देखिए संसार के चारों ओर और आप बताइए, जितने भी लोग आज धन कमा रहे हैं अच्छे रीति से, बहुत सारे लोग अच्छे रीति से धन कमा रहे हैं, उनमें से कितने लोग आलसी है? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि जो दिन रात मेहनत कर रहा है वो अपनी कमाई को निश्चय खाएगा। उनके पास ये वायदा नहीं है, हमारे पास कम से कम ये वायदा है, परमेश्वर का ये वायदा है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो अपनी कमाई को निश्चय खा पाएंगे, अपनी कमाई को निश्चय खा पाएंगे। मगर कमाना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि हम प्रभु का भय मानते हैं तो प्रभु ऊपर से हमेशा कौवा को भेजेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु मेरा बैंक खत्म हो गया। मैंने एक गवाही सुना था, कोई किसी का खत्म हो गया था, बैंक में पैसा आ गया था, मेरा बैंक में भी डाल दो। मैं विश्वास से आज एटीएम डालूंगा, मेरा विश्वास कम नहीं होने पाए। ओ यीशु के नाम से मैं जानता हूं, जो भी निकलेगा उसका 10% मैं तुझे दे दूंगा, आज मेरा विश्वास कम ना होने पाए। आमेन 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 करके एटीएम कार्ड डाला, 0। मेरा विश्वास कम हो गया लगता है प्रभु। अरे इतना नौटंकी करने से अच्छा था कि कोई काम कर लेते। विश्वास कोई खेल थोड़ी है कि हम एटीएम डाले और पैसा आ जाए। विश्वास कोई ऐसी जादू की छड़ी जो है कि जो प्रभु की मर्जी नहीं है वो भी हम विश्वास से कर ले। कभी कभी हमको ऐसे ही लगता है, हमको ऐसा लगता है कि प्रभु की मर्जी नहीं है मगर उससे क्या मतलब है, मेरे पास तो उससे बड़ा सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? विश्वास का सामर्थ्य। मैं विश्वास करूंगा, प्रभु की मर्जी हो या ना हो जाएगा। जो प्रभु की मर्जी में नहीं है वो तुम यदि कर भी लो तब भी कोई फायदा नहीं, इसलिए अच्छा है प्रभु की मर्जी पूरी होने पर। अच्छा एक और पढ़िएगा, मुझे पता नहीं मैं खत्म करूंगा कितना बजे तक चलता है, बहुत सारा समय हो गया, टाइम हो गया। अच्छा नीति वचन 12 उसका 11,
जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता। मगर जो निकम्मों की संगति करता है वो क्या करता है? निर्बुद्धि। हमें मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, ले लो बेटा, अच्छा है एक तो एक्टिवा ले लो, घर में सबको मदद हो जाए। नहीं 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 नहीं, मुझे यामाहा का वो दो लाख वाला चाहिए, 2 लाख वाला मुझे चाहिए। बेटा उसमें तुम कहाँ जाओगे, इतना स्पीड, उसमें तो एक ही आदमी बैठता, मुझे चाहिए। बेटा देखो पापा तो सिर्फ 50-60 हजार कमाते हैं, मुझे चाहिए। नहीं तो कप फोड़ देंगे, ग्लास फोड़ देंगे, खाना नहीं खाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़ाई बंद कर देंगे, माँ बाप परेशान, मेरा बेटा 2 लाख का बाइक लो, मगर अब पढ़ लेना, कॉलेज चल जाना बेटा, हाँ पढ़ लेना। ये कहाँ पढ़ेगा, 2 लाख का बाइक पढ़ने के लिए थोड़ी लिया था। जानते हैं कौन है ये, इसको बाइबल क्या कहता है, निर्बुद्धि। यदि आपको समझ में नहीं आया, निर्बुद्धि। और ये निर्बुद्धि क्यों आया जानते हैं, क्योंकि ये लड़का अभी तक खुद मेहनत करने सीखा नहीं, और क्योंकि वो खुद मेहनत करने नहीं सीखा है, उसके लिए 2 लाख जो है कोई मायने नहीं रखता। जो अपने खेत को जोत लेगा, बाइबल बताती है वो भर पेट खाएगा, मगर जो निर्बुद्धियों की बात को सुनेगा, उनकी बातों पर चलेगा, वो अपना भी खोएगा और दूसरों का भी। आज इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने धन को कहां लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं अपने धन को। एक बाइक 2 लाख के बाइक को खरीद के हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जिसको बैठाएंगे वो तो शादी भी नहीं करेगी, काम करना पड़ेगा ना। जिसको दिखा रहे हैं वो बोलेगी 2 लाख का बाइक है और क्या तेरे पास, ये तो मैं सोचा नहीं, मैं सोचा 2 लाख का बाइक काफी होगा, और क्या है। Ephesians 5:15-17 इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चल रहे हो, निर्बुद्धियों के जैसे नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ। अवसर को बहुमूल्य समझो, बुद्धिमानों के समान चलो, और जो अवसर, जो समय तुम्हें अभी मिला है उस अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ। क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। हाँ। कि प्रभु की इच्छा क्या है। दिन बुरे हैं, इस कारण तुम निर्बुद्धि मत बनो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। दिन बुरे हैं, यहाँ बैठा हुआ हर एक जवान, आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि अब से एक नया मोबाइल भी मैं खरीदूंगा तो अपने पैसे से खरीदूंगा, अपने पैसे, चाहे उस मोबाइल को खरीदने के लिए मुझे कुछ दिन जोमैटो या स्विगी के साथ काम करना पड़ा है, मैं करूंगा, कुछ दिन KFC में जाके काम मांगूंगा,
मगर अगला मोबाइल मैं माँ बाप से नहीं कर दूंगा। मेरे खाली समय को मैं किसी ना किसी काम पे लगाऊंगा। जिस दिन आप ये करने लगेंगे ना, मैं बता रहा हूं, नए रास्ते आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब तक आप घर के अंदर बंद होकर सोचेंगे कि यहाँ मेरी किस्मत की चाबी गिर जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बाहर निकलकर जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे, एक काम दूसरा काम लेना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कहाँ कोशिश कर रहे हैं, आप उनके साथ कोशिश करना शुरू करते हैं और नए रास्ता खुलना आरंभ होते हैं। जब आप कदम को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर किसी को जबरदस्ती खींच कर एक नौकरी नहीं देता है। जब आप कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर उस कदम पर आशीष देता है। हालेलुया। नए रास्तों को आपके सामने में लेकर आता है, नए मौकों को आपके सामने में लेकर आता है, और उन मौकों को पूरा करने के लिए वो आपके पीछे से मदद करता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे हर दिन देखता कैसे प्रभु मेरे लिए प्रबंध करता है। कल की बात है, कल मैं कुछ बातों से चिंतित था शाम में, और आज यहां आने से एक घंटा पहले जिन बातों से मैं चिंतित था, परेशान था, एक घंटा पहले मेरी उस चिंता को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। एक फोन कॉल मैंने किसी को नहीं किया, मगर मेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी ने मुझे फोन किया और मेरी जरूरत को पूरा किया। जब मैं कदम बढ़ाता हूं और सोचता हूं अब कैसे होगा, सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं प्रभु, अब कैसे होगा, सारे दर रास्ते अब कहां से आएगा, अब क्या होगा, जब मैं ऐसा सोच कर बैठता हूं तो मैं देखता हूं प्रभु किस तरह से मेरे लिए एक नए रास्तों को खोलता है। हालेलुया। मगर कदम तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, बाहर तो मुझे निकलना पड़ेगा। कोई काम छोटा नहीं और कोई काम बहुत बड़ा नहीं, हर काम अच्छा होता है। हालेलुया। हमें देखने की नजरिया बदलनी चाहिए। और एक चीज याद रखना, हमें इस संसार में जीना है, कब तक जीना है ये कोई नहीं जानता, मगर जब तक भी जीना है हमें क्या चीज की जरूरत है, जरूरत क्या चीज की है, हमारे सर के ऊपर में एक छत होना चाहिए, हमें चलाने के लिए एक गाड़ी होनी चाहिए, दो पहिया नहीं, मान लीजिए आजकल चार पहिया के जमाने, एक चार पहिया कम से कम मेरे जीवन में खरीदने लायक मुझे होना चाहिए, मुझे डेली पर दिन की क्या रोटी मुझे चाहिए, इतना कि मैं अपने घर को खिला सकूं, है ना, साल में कम से कम दो बार मैं एक अच्छे नए कपड़ों को मैं खरीद सकूं, ये सब मेरी बेसिक नीड है, इतना मुझे क्या करना है, पूरा करना है। मैं मोदी जी के समान आपको चाय बेचने नहीं कह रहा, जो कि खराब नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें अपने जीवन के लिए एक योजनाओं को बनाना है और उसे पूरा करने के दौड़ में दौड़ जाना है, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका काम है अंडा उबालना और अंडा खिलाना, और मैं ये भी जानता हूं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ अंडा उबाला है, अंडा बेचा है आज तक, मगर उसने उसी अंडा का पैसा बचा बचा कर रांची के अंदर में 3 तल्ला घर बनाया है। क्या बेच रहा था? मैं ऐसी कहानियों को, रांची के अंदर की कहानियों को बता रहा हूं, जो व्यक्ति मेन रोड में आज से 45 साल पहले चाय बेचता था, चाय आज से 45 साल पहले, आज उसके पास रांची के अंदर में कम से कम नहीं भी तो 5 से 6 रेस्टोरेंट अपना है,
आप समझ रहे मेरी बोलने का मतलब? मेरा मतलब ये है कि जो मेहनत करना जानता है वो कभी भूखा नहीं सोएगा। सिर्फ मेहनत नहीं है, मगर जब हम मेहनत करते हैं और कुछ नए काम को आरंभ करते हैं या कोई नई बिजनेस को हम आरंभ करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिस्क भी बना रहता है। कई बार हमें रिस्क लेना भी पड़ता है। हम डरते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ शुरू करने का मन प्रभु ने आपको दिया है, बहुत सालों से आपके मन में है, मगर आप डर रहे हैं कि कहीं मैं शुरू करूं और नहीं चला तो। यही सोचते सोचते कई साल निकल गए। यदि यही चीज आप पहले देख लिए होते तो कम से कम 4 साल में पता चल जाता आपको कि नहीं चला, मगर अभी तो 4 साल के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है नहीं चला तो, अब वहीं अटके हुए। हमें कभी कभी लाइफ में क्या करना पड़ता है? रिस्क लेना। और विश्वास कीजिए, जब हम रिस्क को लेते हैं तो हम मसीहों के लिए एक एडवांटेज है जो सबके पास नहीं है। जब हम रिस्क लेते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा एडवांटेज है। हम जो भी काम करते हैं वफादारी से करते हैं, ध्यान से, यह हमारा एडवांटेज है, क्योंकि हम जानते हैं लोग जहां भी हमें देखे मेरे काम से मुझे नहीं मर मरे विश्वास से मुझे वो जान सके। हालेलुया, कि मैं कौन हूं और मैं ऐसा काम करता हूं तो क्यों करता हूं। यदि हम किसी के पास भी काम कर रहे हैं तो उस काम को 1 महीने में छोड़कर हम बैठ ना जाए, 2 महीने में छोड़कर मुझसे नहीं होगा बोलकर हम बैठ ना जाए, मगर जितना दिन का मैंने उसके साथ वायदा किया है उतना दिन हम उसके साथ क्या करें? वफादारी के साथ पूरा करें। और यदि हमें उसे छोड़ना है तो उसके साथ हम बात करके प्रेम के साथ हम छोड़े, क्योंकि हम कभी भी समाज के सामने में अपना फायदा देकर दूसरों को धोखा देने वाले नहीं है। हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ जीते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमें मालूम है हमारी आशीष संसार की ओर से नहीं, हमारी सच्ची आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। हम परमेश्वर के भाई मानने वाले, हम उसके दिया को बांटने वाले लोग हैं, हम लोगों को प्रभु की रोशनी दिखाने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है इस अंधकार भरी संसार में एक रोशनी बनने के लिए, और वो रोशनी हम धोखाधड़ी से नहीं बनेंगे, झूठ बोलकर नहीं बनेंगे, काम चोरी करके नहीं बनेंगे, वो हम सच्चाई के साथ करेंगे। और इसीलिए चाहे आप कोई भी नौकरी करते हैं तो अपने नौकरी के साथ वफादार रहें। हम समाप्त करेंगे एक वचन और देख लेंगे। हमने देखा दिन बुरे हैं और इसलिए हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें। लूका 16 उसका 10, जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी क्या रहेगा? सच्चा रहेगा। हाँ। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। कई लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे एक नौकरी दे, इसके बाद मैं इतना धन तेरे राज्य में दूंगा, मैं इतना काम तेरे लिए करूंगा, है ना। जानते इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परमेश्वर को घूस दे। सरकार को तो घूस दिए है हम लोग, मगर अब परमेश्वर का समय है। प्रभु देख तू देगा तो मैं तुझे इतना दूंगा। ऐसा लगता है हमको कि परमेश्वर गरीब बैठा हुआ है, कुछ नहीं है बेटा, तुम काम करके थोड़ा दोगे तभी मेरा घर चलेगा। प्रभु तू दोगे ना तो मैं दूंगा,
प्रभु बोलेगा, जानते क्या, यदि तू देने वाला है ना तो मेरे देने से नहीं, मेरे नहीं देने से भी तू देने लगेगा। यदि तू थोड़ा में भी अपने बात का पक्का है तो मैं देख लूंगा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। और एक भी चीज याद रखना, तू क्या करेगा क्या नहीं ये मैं जानता हूँ, इसलिए तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। बोलकर हम प्रभु को खरीद नहीं सकते, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जो बड़े बड़े वायदे परमेश्वर से नौकरी से पहले किए, नौकरी के बाद बोले कि मुझे नहीं मालूम था प्रभु कार लोन में चला जाएगा, मुझे नहीं मालूम था होम लोन में चला जाएगा, मुझे मेरे पास तो 10 रुपया भी नहीं बचता, मेरे पास ही पैसा नहीं, प्रभु मैं तुझे क्या दूंगा। सच्चाई यही है, जो देना चाहता है वो थोड़े में ही देना शुरू कर देता है। जो थोड़ा में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा। जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उसके पास बहुत भी आ जाए तब भी वो विश्वास योग्य है। यदि परमेश्वर सच में हम पर विश्वास करता है तो प्रभु हमारे लिए नए दौर रास्तों को, मौकों को जरूर खोलेगा। और आज जब हम प्रभु के पास में आते हैं और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तो सबसे पहला वचन जैसे हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि प्रभु तूने मुझे दान दिए हैं, वो क्या दान है मुझे ढूंढना जरूरी है। क्या है वो दान? आज मैं लोगों से पूछता हूं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज का एग्जाम लिखना चाहते हैं? कई बार लोग मुझे जवाब देते हैं, जिसमें निकल जाए, जिसमें भी हो जाए। अरे जिसमें का क्या मतलब है, आपकी क्या इच्छा है? ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें हो जाए। कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूँ आप क्यों जानते हैं, कई बार क्यों, अब इसका उत्तर नहीं होता आप लोग के पास, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किसमें अच्छे हैं, आपको पता नहीं कि क्या करने में आपको आनंद मिलता है। जरा सोच कर देखिए, जो काम करने में आपको आनंद नहीं मिलता वो नौकरी आपको मिल जाती है तो नौकरी के बाद आपका जीवन कैसे होगा? अरे बाप रे, कब खत्म होगा, बाप रे परेशान है, नौकरी जाने से डर लगता है, बाप बोलने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप बने ही नहीं थे उसके लिए, आप वो कर रहे हैं जो आप बने नहीं थे। मगर आपको वो करना चाहिए जिसके लिए आप बने हुए थे। इसलिए आज अपना सवाल अपने प्रभु से पूछना, प्रभु मेरा क्या खासियत है और उस खासियत में मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैंने कुछ चुनौतियों आपको दिया है, क्या चुनौतियाँ हैं? मैंने आपसे कहा कि आप एक से अधिक भाषा जानते हैं क्या? मैंने आपसे कहा क्या आप एक से अधिक कार्यों को करना जानते हैं, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे मैकेनिकल जॉब हो, चाहे कुकिंग। मेरे जीवन की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी 6 महीना की क्विक कोर्स कर सकूं कुकिंग में, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मगर आज तक मुझे समय नहीं मिला कुकिंग करने का। यदि क्या मैं 6 महीना मेरे पास समय है, क्या मैं वो कर सकूं, क्या मैं अपना समय, मैं चुनौती आपको देना चाहता हूं, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जो समय आप बर्बाद कर रहे हैं उस समय का आप किस प्रकार से सदुपयोग कर सकें। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के साथ वफादार हो सकेंगे। मैं आपको आज एक झूठा वायदा देने नहीं आया हूं यहां पर, मैं आपको ये बोलने नहीं आया हूं कि बस कुछ मत करो, उपवास करो और प्रार्थना करो और कुछ मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये झूठ होगा, ये मेरे तरफ से झूठ होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मेहनतियों को पसंद करता है, आलसियों को परमेश्वर दुष्ट कहता है। यदि मैं सिर्फ आपको ये छोटा फॉर्मूला बताकर चले जाऊं मगर इसके पूरे साथ, इसके साथ होने वाली सारी चीजों को ना बताऊं तो मैं आपको दुष्ट और आलसी बना रहा हूं, मगर आपको मैं मेहनती और प्रोडक्टिव नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी प्रार्थना के साथ आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो है कदम आगे बढ़ाने का और विश्वास करने का कि प्रभु यहां से कोई ना कोई नया रास्ता मेरे लिए निकाल देगा। हालेलुया। डरो मत। एक आखिरी डर के लिए एक आखिरी वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे, ये पक्का आखिरी होगा।
बहुत देर से आखिरी बोल रहा है ये पास्टर। हाँ, आइज़ाया 41 उसका 10, आइज़ाया 41 उसका 10। मर्डर, हाँ यही चाहिए था मुझे, मर्डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कौन मेरे संग है? बोलिए ना, कौन मेरे संग है? जोर से बोलिए, कौन मेरे संग है? इसलिए बाइबल बताती है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आगे, इधर उधर मत ताक, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, मेरी ओर देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। याद रखो, मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल क्या बता रही है? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म दहने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। धन्यवाद। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मत डर, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मत डर। मैं तेरी सहायता करूंगा। ये किसका वायदा है? मत डर। हम डरते कब है? कब डरते हैं? जब हम सुरक्षित हैं तब नहीं डरते। कब डरते हैं? जब हम कदम को आगे बढ़ाते हैं, जब हम रिस्क को लेना शुरू करते हैं, जब हम बाहर की दुनिया में अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। आज इतने मसीह लोग हैं, मगर कई बार मसीह लोग काम के जगह पर उपस्थित नहीं। हम डरते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, हम दूसरों के दबाव में अपने आप को महसूस करते हैं, मगर बाइबल हमसे वायदा कर रहा है, तुम कदम को आगे बढ़ाओ। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी मदद के लिए इधर उधर मत ताको, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुम्हें दृढ़गढ़ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगा। क्यों? क्यों तू करेगा? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, ये उसका वायदा है हमारे लिए। वो मेरा परमेश्वर है, इसलिए वो मुझे संभालेगा, इसलिए वो मुझे दृढ़गढ़ करेगा, इसलिए वो मेरे लिए रास्तों को खोलेगा, इसलिए वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे नाश होने नहीं देगा, वो मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा। ये उसने हमसे वायदा किया है, उस वायदा पे हमें विश्वास करना होगा। वायदा पे विश्वास डरपोक लोग नहीं कर सकते। वायदा पे विश्वास करना है तो हमें बल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मगर हमारे कार्यों से लगता नहीं, क्योंकि हम डरते हैं। हम कायर के समान जीते हैं, जैसे शैतान चाहता है हम जीने। हम डरेंगे नहीं। आज अपने आप से कहें, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, हालेलुया। प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक जवान लड़का, मुझसे छोटा, मेरा छोटा भाई बोल सकते हैं आप उसको, वो जेवियर कॉलेज में पढ़ रहा था। जब वो जेवियर कॉलेज में पढ़ रहा था, उसे गिटार सीखने की इच्छा थी। कुछ महीनों के लिए उस वो गिटार सीखने के लिए गया, मगर कुछ महीनों के बाद उसके माँ बाप ने कहा कि अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें गिटार सीखने भेज सकते। मैं उस समय में कॉलेज में पढ़ रहा था, पर मुझे कुछ पॉकेट मनी मिला करती थी घर से। मैं
मैंने उस लड़के को कहा, उससे सिर्फ 2 साल छोटा, मैंने उससे कहा तू गिटार क्लास बंद मत कर, तू जा, मैं तेरी फीस को भरूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या करेगा गिटार के साथ, मुझे इतना जरूर मालूम था कि वो पसंद करता, वो प्रेम करता म्यूजिक से, और मैं उसे प्रोत्साहित करना चाहता, और मैंने ये करना शुरू किया। आज वही लड़का, कई साल बीत गए, मैं उससे अभी कुछ महीना पहले दिल्ली में है, मैं उससे मिला दिल्ली में जाकर, एक सुबह का नाश्ता हम लोग साथ में किए, उसके बाद समय नहीं है, बहुत व्यस्त है। जब मैं उससे मिला, उसने मुझसे कहा, उसने मुझे धन्यवाद भी दिया, मगर उसने मुझसे कहा, भैया मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। मैं बोला तू क्या करता है इतना व्यस्त? बोलता है मैं गिटार सिखाता हूं और मैं कई सारे म्यूजिक बैंड्स को मदद करता हूं। मैंने पूछा भाई कुछ डिसेंट कमा लेते हो? उसने कहा 50-60 हज़ार महीने का कमा लेता हूँ जब मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई कोई महीने तो इससे भी ज़्यादा कमा रहा हो। भाई मेरी कमाई उतनी नहीं है, जब वो कॉलेज में था, एक छोटा सा लड़का था, मेरा 2 साल छोटा था मुझसे, बहुत छोटा नहीं, मैंने उसकी इच्छा को देखी, वो गिटार सीखना चाहता था। आज मैं उसे देखकर इतना आनंदित हो जाता हूं कि वो गिटार सिखाता है और एक महीने में 50-60 हज़ार रुपए से अधिक कमाता है। वो कहता मेरे पास समय नहीं, मैं सुबह निकलता हूँ, शाम में आता हूँ, रात में आता हूँ, और साथ ही साथ जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलती है, मैं वहां काम करता हूं। मेरा मन आनंद से भर गया। उसने अच्छी पढ़ाई भी की है, मगर इससे क्या मतलब है? सर रखने का एक जगह चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, और अपनी कन्वीनियंस चलने दौड़ने के लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत है। वो हर मेहनत करने वालों के पास दिया जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी दौड़ संसार से नहीं है, हमारी दौड़ संसार से नहीं है, हम दूसरों को देख के नहीं दौड़ते, हमारी दौड़ अपनी है, और मैं जहां हूं हम संतुष्ट हैं क्योंकि प्रभु ने हमें यहां रखा है। हम जो करते हैं अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि धनवानों में हमारा नाम भी जोड़ा जाए, नहीं, क्योंकि कोई भी काम को अच्छा करना और अपने काम में मेहनत करना, ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। यदि आप विश्वास करते हैं उस पर, यदि आप कहते हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तो आपको डर हटाना पड़ेगा, नए मौकों को देखना पड़ेगा, नए मौकों को अवसर में बदलना पड़ेगा। और मैं बताता हूं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको संभाल लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका ईश्वर है। मगर जब आप करेंगे तब, जब आप कुछ नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, जब आप करेंगे तब वो आपकी मदद करेगा। आज प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझ में कौन कौन से गुण हैं, और कौन कौन से गुण होने के बावजूद मैं उस गुणों में सो रहा हूं, एक तो कम से कम होगा। मेरे कौन से गुण हैं प्रभु, और किस प्रकार से उस गुण को मैं दुगुना बदल सकता हूं? क्या मैं हाथों से अच्छा काम कर सकता हूं? क्या मैं बोलने में अच्छा हूं? क्या मैं अकाउंटिंग में अच्छा हूं? क्या मैं सेवा करने में अच्छा हूं? कौन से मेरे दान,
यदि प्रभु तूने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है तो इस सेवकाई में क्या मेरे दान है? प्रार्थना, व्यक्तिगत सुसमाचार बताना, कौन से मेरे दान है और उन दानों को कैसे मैं दुगुना कर रहा हूं, अपने दानों को कैसे मैं शार्पन कर रहा हूं। क्या प्रभु मैं समय को बर्बाद तो नहीं कर रहा? क्या सोशल मीडिया, टीवी, फोन मेरे समय को खा तो नहीं रहे? और यदि ऐसा है तो यदि मुझे सोशल मीडिया को बाय बाय भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं। आखिर मुझसे उससे मिलता ही क्या? किसी और के बारे जानकर मुझे करना भी क्या? किसी और की फोटो तस्वीरों को देखकर मुझे क्या लाभ है? किसी और के जीवन को पढ़कर समझकर मुझे क्या करना है? यदि वो मेरा जी समय को खा रहा है प्रभु, तो मुझे उसे आज ही छोड़ देना चाहता। हम आजाद रहना चाहते हैं, हम समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता। हां, हमारे सपने बड़े हैं प्रभु, मगर मैं कोई जिद तेरे सामने नहीं करना चाहता। यदि मेरे सपने तू पूरा करता है तो धन्यवाद, नहीं करता है तो भी धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं जहां भी तू रखेगा, जैसा भी तू रखेगा, तू अच्छा ही रखेगा। मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूं। आइए प्रभु पे विश्वास करें और आइए हम कहें हमारे मन के अंदर से वो डर जो शैतान ने बैठाया है, वो डर कि तेरा भविष्य कैसा होगा, वो डर कि तू रिस्क ना ले, वो डर कि तेरा कल कैसा होगा, वो डर को आइए हम यीशु के नाम से आज दूर करेंगे। प्रभु मुझे एक नया कदम उठाने के लिए मदद कर। वो क्या कदम है मुझे नहीं मालूम, मगर एक नया कदम उठाने के लिए प्रभु तू मेरी मदद कर, और जो मैं कदम उठाऊंगा मैं जानता हूं तू मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। सभी को प्रार्थना करें। मुझे मालूम है नौकरी कईयों को इस कमरे में चली, मुझे मालूम है, और मुझे नहीं, प्रभु को आपका नाम लेकर मालूम है, आपको वो जानता है। मगर आज मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, मैं तुझे कैसे मदद करूं, कैसे, जब तक कि तू आगे ना बढ़े। तू आगे बढ़, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। दिल की गहराई तुझको पुकार, तेरे करीब मैं आता हूं, जैसा भी हूं तेरा ही हूं, तुझको मैं क्या दे सकता हूं। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए प्यार।
तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। और मैं जानता हूं तू क्या कहना चाह रहा है आज मुझसे, मैं जानता हूं तू मुझसे आज क्या कह रहा है। तू चाह रहा है प्रभु कि मैं अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलूं। मैं जानता हूं मैं अपने समय को कितना बर्बाद किया प्रभु, बेकार की बातों को करने में, इधर उधर खड़े होकर समय को बर्बाद मैंने किया, अपने दोस्तों और मित्रों के घर में बैठकर मैंने समय को बर्बाद किया, टीवी पे, कंप्यूटर पे, टेलीफोन पर, मोबाइल पर मैंने समय को बर्बाद किया। प्रभु मैं जानता हूं और आज मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं समय को सही उपयोग करना चाहता हूं, मेरी मदद कर। Girl,
मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु तू इनकी प्रार्थना सुन ले और एक अद्भुत रीति से, एक अद्भुत रीति से एक नया द्वार इनके सामने खुल ले पाए। यीशु मसीह मैं तेरे दास होने के नाते तुझसे विनती करता हूं, इनके विश्वास की इस राह में तू इनके लिए एक उत्तम रास्ता खोल दे, ये अपनी आंखों से देख सके, ये विश्वास कर सके। मगर जो भी रास्ता प्रभु तू खोलेगा इसमें इनको वफादार बना, निडर बना और आगे बढ़ने की क्षमता और हिम्मत इन्हें दे प्रभु। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दानों को दुगुना करने के लिए, इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू इन्हें सहायता कर। धन्यवाद प्रभु तूने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद तूने इनकी प्रार्थना सुन लिया, यीशु मसीह के नाम से। सभी मिलकर बोले आमीन।